नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रवीण दीक्षित और एक बार फिर से हम लोग जुड़ गए हैं वाईफाई स्टडी स्टूडियो पर, जहां रोज होती है 10 बजे हिंदी की कक्षा। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, क्लियर सुनाई दे रहा हूं ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? बात ये कर लेते हैं कि भाई पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी, जिसमें पिछली कक्षा में हम लोगों ने विराम चिन्ह भाग एक पढ़ा था। विराम चिन्ह के ऊपर हम लोगों ने बातचीत करना शुरू कर दी है। विराम चिन्ह भाग दो आज मैं डिस्कस करूंगा, जिसमें आपको कई विराम चिन्हों के बारे में बताऊंगा। आपको ये कैसी क्लास लग रही है जरूर लिखकर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दूसरा ये कि दिवाली की छुट्टियां चल रही हैं, तो अब जो है आप लोग दिवाली मनाने में व्यस्त हो जाएंगे, तो ऐसा मत कीजिएगा यार। दिवाली मनाइए लेकिन साथ में अपनी पढ़ाई को भी शुरू रखिएगा, कंटिन्यू रखिएगा। कोशिश हम ये करें कि ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो पढ़ते ही चलें, है ना। और बाकी मिठाई तो खाना ही है, दिवाली तो दिवाली है कि नहीं। चलिए तो शुरू करते हैं आज की कक्षा बिना देरी किए। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? विराम चिन्ह भाग दो। आप जुड़ गए हैं वाईफाई स्टडी स्टूडियो पर, जो कि एक पार्ट है अनअकैडमी का। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन यानी लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशन और बहुत सारे फायदे, जैसे कि कभी भी कहीं भी बैठ के आप असीमित लाइव क्लासेस ले लेते हैं, है ना। वीकली आपको प्रश्नोत्तर मिल जाते हैं, वहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन आपको वहाँ पर मिलता है, पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हो ताकि आपके पास नोट्स या कंटेंट तैयार हो जाए, और टेस्ट सीरीज आपको मिलती हैं। तो ये सारे फायदे हैं। करना क्या होता है, इंस्टॉल करिए, डिटेल डालिए, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाइए। सब्सक्रिप्शन में आप चाहे तो मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, पीडी लाइव मेरा रेफरल कोड है, जो आपको 10% का डिस्काउंट दिलवा सकता है। तो चलिए अपने बिना देरी किए अपने मुख्य जो तथ्य हैं उस पर बात करेंगे। पिछली बार हम लोगों ने विराम चिन्ह के बारे में बात की थी। एक बार फिर से डेफिनेशन बता देता हूं। विराम का अर्थ होता है विश्राम, ठहराव या रुकना, सही है। अब भाषा व्यवहार में कभी एक पूर्ण वाक्य के बाद, कभी वाक्यांश पर और कभी एक शब्द के बाद वक्ता कुछ क्षण के लिए रुकता है। अब ये देखो, मैं इतनी देर रुक गया, बात पूरी हो गई थी तो अपने आप रुकना पड़ा, क्योंकि पूर्ण विराम लगा हुआ था। बात सही है ना। तो जब रुकता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इस विश्राम को लेखन में हम विराम चिन्हों के द्वारा व्यक्त करते हैं। और मैंने कई विराम चिन्ह आपको कल पढ़ाए भी थे, ठीक है। अब ये देखो, यहां पर विराम चिन्ह की पूरी लिस्ट मैंने दे रखी है, इसमें से काफी विराम चिन्ह मैं पढ़ा चुका हूं। तो आज हम लोग बात करेंगे कहां से, कोष्ठक से, ठीक है। ये इसके पहले वाला अपन ने लाघव चिन्ह तक कंप्लीट कर लिया था, ठीक है ना। अच्छा, अब आज हम बात करेंगे कोष्ठक से। तो चलिए कोष्ठक पे बात करते हैं। भाई कोष्ठक होते क्या है? ब्रैकेट्स कहते हैं हम लोग इसको अंग्रेजी में। इसका प्रयोग गणित के अतिरिक्त सामान्य भाषा व्यवहार में इन स्थितियों में किया जाता है। अब इन स्थितियों का मतलब क्या, स्थितियां ये रही। पहली स्थिति यह है कि किसी शब्द के अर्थ स्पष्टीकरण विकल्प को सूचित करने के लिए किया जाता है। हमने देखा हुआ है कि भाई जब भी हम लोग किसी चीज को एक्सप्लेन करना चाहते हैं या उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो उसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। जैसे कुछ उदाहरण आप लोगों को देखना, जैसे यहां लिखा है यह अनवरत चलायमान है, यानी लगातार चलायमान है। अब अनवरत का मतलब अगर हमको बताना था तो हमने ब्रैकेट में लगातार लिख दिया। दूसरा अगर हम देखें तो हमने लिखा अब संज्ञा के तीनों भेदों का विवेचन किया जा रहा है। अब इस तीनों भेदों के बीच में मैंने क्या लगाया, विराम चिन्ह लगा लिया, कोष्ठक लगा दिया और उसमें लिख दिया कौन कौन से तीन भेद हैं। तीन भेदों के अंदर तो तीन भेद कौन से, तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये तीनों भी लिख दिए मैंने। तो इससे क्या हो गया, वो क्लियर हो गया कि भाई अच्छा ये तीन भेद कौन से, ये है। तो यहां पर स्पष्टीकरण के लिए, अर्थ के लिए, विकल्प के लिए आप लोग लिखते हैं, उनको ब्रैकेट या कोष्ठक में लिखते हैं, ठीक है जी। यहां तक दूसरा क्या है, तो दूसरा है कि नाटक आदि में आपने कभी देखा हो, नाटक या एकांकी अगर आपने कभी पढ़ी हो अगर आपने, तो उसके अंदर क्या होता है, जहां पे उनके संवाद लिखे होते हैं ना, संवाद से पहले एक ब्रैकेट लग में कुछ लिखा होता है। जैसे यहां पर अकबर, यह तो तुमने बहुत बढ़िया बात की बिरबल, अब ये बोला तो सही लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या किया, ठहाका मारा। तो यहां पे ठहाका मरते हुए लिख दिया है, गलती है, क्षमा प्रार्थी हूं। ठहाका मारते हुए मतलब जोर से हंसते हुए उन्होंने बोलता, यह तो तुमने बहुत बड़ी बढ़िया बात की है बिरबल। बात समझ रहा हूं ना, बात क्या है यहां पर, यहां पर नाटक आदि में अभिनय की सूचना देने के लिए, कई बार बोलते हैं रोते हुए, मौन बैठकर, ठहाका मारते हुए, है ना, अपनी एक कुर्सी से उठकर दूसरी कुर्सी पर बैठते हुए फिर डायलॉग देते हैं। तो ये डायलॉग से पहले जो लिखा होता है, ब्रैकेट में लिखा होता है, ये उसका अभिनय है। अभिनय के बारे में भी हम लोग ब्रैकेट लगाकर, कोष्ठक लगाकर सूचित करते हैं। क्लियर है सर,
सभी लोगों को क्लियर हो रहा है। अगला देखिए रेखांकन, 11वां नंबर रेखांकन। रेखांकन मतलब अंडरलाइन, भाई नीचे साइड हम रेखांकन कर देते हैं। जब आप लोग भी पढ़ते हुए, मैं भी करते होंगे मेरे ख्याल से, मैं भी करता था कि जब भी कोई किताब पढ़ते थे तो एक पेंसिल हाथ में होती थी और जहां जहां हमको लगता था कि ये इंपॉर्टेंट है वहां पे हमारी पेंसिल चला करती थी। तो वो पेंसिल जब चलती थी तो वो अंडरलाइन करके चलती थी, वो महत्वपूर्ण चीजों को, महत्वपूर्ण शब्दों को, महत्वपूर्ण तथ्यों को, महत्वपूर्ण वाक्यों को रेखांकित करके हम लोग सीखने के लिए अगली बार जब रिविजन करेंगे तो काम आएगा, ठीक है ना। तो यहां पर अंडरलाइन किया जाता है। जैसे गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखा हुआ सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, यहां पर गोदान को हमने रेखांकित कर दिया। एक और देखते हैं हम, शोषक कभी पोषक नहीं हो सकता, मतलब जो शोषण करने वाला है वो कभी भी किसी का पोषण नहीं कर सकता, तो पोषक को हमने अंडरलाइन कर दिया। क्लियर है क्या यहाँ पे बात समझ में आई? क्लियर है यहां तक? दो चीजें पढ़ ली हमने, क्या क्या पढ़ लिया? एक तो हमने पढ़ लिया आपका कोष्टक और दूसरा हमने पढ़ लिया रेखांकन। चलिए अगला देखते हैं हंसपद। हंसपद को हम त्रुटि बोधक भी कहते हैं। ये जो है हम लोग नहीं भी पता था तब भी लगाते थे, नहीं क्या भाई? भाई हम लोग छोटे थे तब भी हम लोग, हमको पता नहीं था कि ये हंसपद होता है या ऐसे करके लगा लेना चाहिए, ये हमको पता नहीं था, पर हम लोग ऐसे ही लगा लेते थे। भैया यहाँ हमने गलत लिख दिया, एक क्वेश्चन एक शब्द गलत हो गया, कहाँ लिखें, तो हम उसके ऊपर लिख देते थे या नीचे लिख देते थे और उसके अंदर ऐसा एरो बना देते थे ताकि याद रहे, पर ये एक्चुअल में एक विराम चिन्ह है। क्या कहते हैं? हंसपद। और इसे ही हम त्रुटि बोधक भी कहते हैं। जब किसी वाक्य अथवा वाक्यांश में कोई शब्द या कोई अक्षर छूट जाता है तो छूटे हुए वाक्य के नीचे हंसपद चिन्ह लगाकर शब्द को ऊपर लिख देते हैं। इसे अंग्रेजी में कैरेट कहते हैं, कैरेट याद रखिएगा। अब जैसे यहां पर मैंने कोशिश की है इसको बनाने की, स्वतंत्रता हमारा अधिकार है। अब अधिकार है के बीच में हम लोग भूल गए जन्मसिद्ध लिखना, तो हमने क्या किया, हंसपद लगाया और ऊपर लिख दिया जन्मसिद्ध। क्लियर है क्या? है ना? अब यार ये तो आप लोग समझ जाओगे, ये तो क्या है, मैं पीपीटी बनाई है तो उसको पीपीटी को बनाने के लिए ऐसा मैंने खेल खेल लिया, बाकी तो सब आपको समझ में आ रहा है ना। एरो लगेगा ऊपर साइड लिखेंगे जन्मसिद्ध, समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो हंसपद का काम क्या है भैया? हंसपद का काम है त्रुटि बोधक, या जो कुछ छूट जाए उसको लगाने के लिए हंसपद का चिन्ह का उपयोग करते हैं। अगला देखिएगा समानता बोधक। समानता बोधक या तुल्यता बोधक मतलब इक्वल टू, इक्वेलेंट का साइन, इक्वेलेंट मार्क लगाते हैं ना, इक्वल टू का, ये इक्वल टू है आपका, तो इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, समानता बोधक या तुल्यता बोधक चिन्ह कहते हैं। संधि और समास में इसका उपयोग बहुल्यता से किया जाता है, आपने देखा भी है, जैसे देवधन ऋषि बराबर देवर्षि, तो बराबर का चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पर, समतुल्य समानता का या तुल्यता बोधक भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा और क्या है, पीताम्बर, देखो समास में भी लगाते हैं, पीताम्बर बराबर पीत है अंबर जिसका वह, सही है ना बात? तो यहां पर ये जो बराबर बराबर समानता का चिन्ह लगाते हैं क्या कहलाता है, समानता बोधक या तुल्यता बोधक कहलाता है। शब्द याद रखना है, आपने चिन्ह देखे हुए हैं। अगला देखते हैं भाई, अगला क्या है, विवरण चिन्ह। अरे ये तो हम लोग लगाते हैं बचपन से लगा रहे हैं, नहीं, विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह क्या है? जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके बारे में विस्तार से कुछ कहना हो तो विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे अंग्रेजी में कॉलन डैश कहते हैं। कॉलन भी आपको तो पता है, दो बिंदी लगाते हैं कॉलन कहते हैं उसको, और ये जो योजक चिन्ह है उसको हम डैश कहते हैं, ये तो आपको पता है ना? नहीं, निर्देशक को हम डैश कहते हैं, सॉरी, है ना भाई? ये तो पिछली क्लास में बताया था मैं कि भैया डैश जो है वो निर्देशन है और योजक चिन्ह अलग है, छोटा होता है निर्देशन, निर्देशक चिन्ह बड़ा होता है। अच्छा, रूपांतर की दृष्टि से शब्दों के शब्द दो प्रकार के होते हैं, क्या लगा दिया, विवरण चिन्ह। अब जब मुझे किसी चीज को एक्सप्लेन करना है, व्याख्या करना है, उसके बारे में कुछ विस्तार से कहना है तो हम क्या लगाएंगे, विवरण चिन्ह, क्योंकि नाम ही विवरण करने के लिए काम किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा दूसरा, जैसे अब इस उदाहरण को देखो आप, रूपांतरण की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। दूसरा हम परिभाषा लिखते हैं, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण कारक वचन लिंग सब पढ़ाया हमें, तो आपने क्या किया, परिभाषा लिखी, परिभाषा लिखी तो पहले जैसे लिखा पद, अब पद के बाद में विवरण चिन्ह लगाया, फिर उसके बारे में लिखा कि वाक्यों में प्रयुक्त शब्द अर्थवाची होकर पद बन जाते हैं पूर्ण विराम। तो विवरण बताना, किसी चीज का विवरण देना किसमें आता आता है, विवरण चिन्ह के अंदर हम लोग उपयोग करते हैं। चलिए अगला देखते हैं समाप्ति सूचक। क्या नाम है, समाप्ति सूचक, किसी चीज की समाप्त। अब यहां पे लेक्चर समाप्त नहीं हो रहा है तो नहीं टेंशन ले लो, समाप्ति सूचक लिख दिया समाप्ति हो रहा है, नहीं, समाप्ति सूचक चिन्ह है भैया,
कभी किसी किसी पुस्तक को आप किसी किसी भी किताब को उठा के देखेंगे तो किताब में या किसी लेख के समाप्त होने पर हम देखते हैं वहां पे कुछ चिन्ह बना होता है ना, या तो 3 स्टार लगे होंगे या 3 ये इस तरह का बना होगा, या फिर आपने देखा होगा 3 ब्लॉक बने होते हैं, चौकोर चौकोर ब्लॉक बने होते हैं, है ना, किसी के अंदर जो है नीचे एक लकीर खींच के और अंदर बीच में कोई डिजाइन बनी होती है। ये क्या दिखाता है? उस लेख या उस पुस्तक की समाप्ति का बोध कराते हैं। इसे हम फिनिश मार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? फिनिश मार्क अंग्रेजी में। क्लियर है क्या? ठीक है, आगे बढ़े। समाप्ति सूचक अगला देखते हैं, अवतरण सूचक। अवतरण, अवतरण करना मतलब उद्धृत करना, किसी चीज को उतारना। अवतरण करना मतलब अवतार लेना। अरे आप जानते हो ना अवतार शब्द, अवतार शब्द मतलब, तो यहां पर अवतार का अवतरण हो गया। अवतरण सूचक, जिसको एज इट इज वैसा का वैसा उतार दिया जाए तो अवतरण, या उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। उद्धरण चिन्ह भी याद रखिएगा, यह चिन्ह इकहरा भी होता है और दोहरा भी होता है। देखिए यहां पे ऊपर देखें आप, तो अवतरण सूचक के बाद में मैंने ब्रैकेट में 2 वाले भी लगा रखे हैं, 1 वाला भी लगा रखा है। इन दोनों में अंतर क्या है आज हम लोगों को पता चलेगा। भाई हम लोग अक्सर क्या करते थे, हम देखते थे वाक्य लंबा है तो 2 लगा दो और शब्द है सिर्फ तो एक एक लगा दो, ऐसे ही करते थे ना। तो ऐसा नहीं है, दोनों रूप में प्रयुक्त होगा, इसके बारे में देखते हैं। किंतु दोनों के प्रयोग में भिन्नता है। इससे अंग्रेजी में इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं आप लोग, कहां कहां लगाते हैं देखिएगा। इकहरे अवतरण चिन्ह की बात करें तो इसका प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त लोकोक्ति या कहावत में किया जाता है। जब भी कोई कहावत या लोकोक्ति आप उपयोग कर रहे हैं किसी प्रयोग में, वाक्यों के प्रयोग के दौरान, तो वहां पर लोकोक्ति कहावत के आजू बाजू लगाना होता है इकहरे अवतरण चिन्ह। देखें, उससे जब कहो कि गाना गाए तो वह कहता है कि साज ठीक नहीं है। साज मतलब बाजा, ठीक है। तो जब उससे जब भी कहो कि गाना गाए तो वह कहता है कि साज ठीक नहीं है। इसे ही कहते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। क्या कहते हैं? इसे ही कहते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा क्या है? लोकोक्ति है। तो लगा दिया हमने क्या? इन्वर्टेड कॉमा। कौन सा वाला? सिंगल वाला। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, मतलब इकहरा अवतरण चिन्ह उपयोग होगा। अच्छा, किसी शब्द विशेष को अगर हमको प्रकट करना है मान लो, तो वहां पर भी लगाते हैं। जैसे किसी वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहां पर संज्ञा इंपॉर्टेंट था, इसको हमको विशेष रूप से प्रकट करना था, इसलिए हमने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यहां पर उपयोग किया। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ क्या? आगे बढ़ूं क्या? चलो नेक्स्ट देखो, बी यानी दोहरे अवतरण चिन्ह। अब दोहरे अवतरण चिन्ह कब लगता है? इसका उपयोग होता है वक्ता या लेखक के कथन को हूबहू लिखा जाए। आज प्रवीण सर ने क्लास में कहा मैं तुम्हें रोज 10 बजे पढ़ाता हूं। अब ये जब आप लिखोगे, अगर इसको एक ही लाइन में लिख दिया, बिना इन्वर्टेड कॉमा के लिख दिया, तो उसका मतलब ये निकल जाएगा कि प्रवीण सर ने आज ऐसा कहा था कि आपका जो भी नाम है वो जो है 10 बजे क्लास लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है ना। क्लास तो प्रवीण सर ने बोला है, प्रवीण सर ही लेंगे। तो भैया मैं शब्द जो है वो आपके लिए नहीं, मेरे लिए उपयोग हो रहा है। तो वहां पर क्या लगाना पड़ेगा? डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना पड़ेगा, यानी दोहरे अवतरण चिन्ह का उपयोग करना पड़ेगा। देखिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तिलक ने कहा, फिर कॉमा लगेगा, कॉमा लगने के बाद इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इसको समझने वाली बात इतनी है, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, इन सबको इसलिए भी क्योंकि जब हम कार्यालयीन पत्र लिखते हैं कहीं ना कहीं, या एमपीपीएससी लेवल पे आप पढ़ने का प्रयास करते हैं, या आप किसी पीएससी एग्जाम की तैयारी आप लोग करते हैं, तब आपके लिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जब रिटर्न एग्जाम होती है ना बच्चे, तो इन सब चीजों को वहां पर देखा जाता है और इसमें से नंबर काटे भी जाते हैं। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी सेशन है। अच्छा, तो हमने क्या देखा है? दोहरे अवतरण चिन्ह को कब उपयोग किया जाता है? जब किसी व्यक्ति, वक्ता या लेखक के जैसे शब्द उसने बोले थे वैसे के वैसे शब्द हम लोग उपयोग करना चाह रहे हों, तब इन्वर्टेड कॉमा डबल लगता है। दूसरा कहाँ लगता है? किसी के उपनाम, लेख, कविता, पुस्तक के शीर्षक आदि को उद्धृत करते समय। मतलब कई बार हम लोग जैसे देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है ना, रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर लगाते हैं है ना, निराला लगाते हैं। ये क्या है? इनके हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो जो वात्स्यायन के आगे अज्ञेय लिखा होता है, निराला लिखा होता है, या
या अभी मैंने बोला रामधारी से दिनकर के आगे दिनकर लगा होता है, ये जो शब्द लगे हुए हैं ये इनके उपनाम है, उपनाम जिससे ये कविताएं करते हैं या कविता में अपनी छाप छोड़ते हैं, छाप लगाते हैं। तो इन छाप को वो क्या करते हैं, इनको इन्वर्टेड कॉमा में लगाया जाता है, लिखा जाता है। कौन से वाले में? डबल में, जैसे रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, दिख रहा है ना, यहां तक क्लियर है? अब जैसे हमारे यहाँ पर इंदौर की अगर मैं बात करूं तो है बहुत बढ़िया कवि हैं सत्यनारायण जी सत्तन, तो सत्यनारायण व्यास उनका नाम है और उसके आगे वो लगाते हैं सत्तन, तो सत्तन जो है उनका क्या है, उपनाम है। वैसे ही जैसे आप लोग जानते हो अमिताभ बच्चन बिग बी के जो पिताजी थे डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, वो दरअसल डॉक्टर हरिवंश राय लिखते थे उनका नाम, और बच्चन जो था उनका उपनाम था जिसको अब सरनेम की तरह उपयोग कर रहे हैं, पूरी फैमिली उपयोग कर रही है ना। तो बच्चन दरअसल वो इतने फेमस थे कि बच्चन के नाम से ही उनको जानते थे। तो ये हो गया उनका उपनाम, और उपनाम के आगे हम क्या लगाते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा उपयोग करते हैं। निराला जी की कविता भिक्षुक में, अब यहां पर मैंने भिक्षुक को क्या किया, कविता या पुस्तक का उद्धरण किया है उसके बारे में बता रहा हूं, तो भिक्षुक को आगे मैंने इन्वर्टेड कॉमा लगाया और डबल लगेगा। चलो अगला देखो जरा, लोप चिन्ह। लोप चिन्ह क्या होता है, आपने देखा होगा, लोप चिन्ह मतलब किसी चीज का लुप्त कर देना, लुप्त लुप्त कर देना मतलब हटा देना। आपको यह पता भी होना चाहिए कि यहां से हटा है और आपको लिखना भी नहीं है, तो तीन डॉट 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 लगा के अपन छोड़ देते हैं, इसको क्या कहते हैं, लुप्त हो जाना। देखो जरा समझना, जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे अंग्रेजी में मार्क ऑफ ऑमिशन कहते हैं। जरा देखिएगा उदाहरण, गांधी जी ने कहा, कॉमा लगा, इन्वर्टेड कॉमा लगा, परीक्षा की घड़ी आ गई है, और उसके बाद में उन्होंने पूरा भाषण दिया होगा, आखिरी में भाषण कहाँ खत्म हुआ, हम करेंगे या मरेंगे। तो जहां खत्म हुआ उसके शब्द लिखे जाते हैं, जहां शुरू हुआ वहां के शब्द लिखे जाते हैं, बीच में तीन डॉट लगाया जाता है ताकि यह पता हो कि इसके बीच में बहुत सारी चीजें थी जो अभी हटा दी गई हैं। हम करेंगे या मरेंगे पे बात खत्म हुई है। जैसे हम लोग पहले बचपन में क्या करते थे, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखी है, तो उसके अंदर पद के अंदर क्या करते थे, शुरुआत की तीन लाइन दो तीन शब्द लिखते थे, आखिरी के दो तीन शब्द लिखते थे, बीच में हम लॉट डॉट लगाते थे, हम बताते थे कि भैया इसके आगे की कहानी यहाँ पे जाके खत्म हुई है। क्लियर है क्या? तो लोप चिन्ह। अगला देखते हैं 18वां, योग चिन्ह। क्या नाम है? योग चिन्ह। अब ये जो योग चिन्ह है ये धन का निशान है, और गणित में इसका भरपूर आप लोग उपयोग करते हैं किसी चीज को जोड़ने में, बिल्कुल वैसा ही हिंदी में भी उपयोग होता है जब दो या अधिक शब्दों को जोड़ने में यानी संधि दिखाने में, शब्दों की व्युत्पत्ति बताने में योग चिन्ह का प्रयोग हम लोग करते हैं। इसे प्लस मार्क भी कहते हैं, जैसे देवी धन आगमन बराबर देव्यागमन, यहाँ पे धन का चिन्ह हमने दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया है। अगला तिर्यक रेखा, जिसको हम ऑब्लिक भी कहते हैं, हम स्लैश भी कहते हैं, देखते हैं जरा। तिर्यक रेखा या अथवा के अर्थ में कविता की पंक्तियों को अलग अलग करने में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, दो तरह जगह पे उपयोग होता है। बात समझना, दो जगह पे दो चीजें एक साथ ही लिख दी है मैंने, पहले तो ये लिख दिया कि या और अथवा के बीच में लगाया जाता है, अगर वो नहीं लगाना है तो या ऑब्लिक लगा सकते हैं। दूसरा, कविता की पंक्तियां, क्या होता है आपने देखी होंगी अदुकान कविताएं जो होती हैं ना, उसमें कई बार एक पंक्ति में 5 7 10 शब्द आते हैं और कई बार एक शब्द ही आता है, दो ही शब्द आते हैं, तो एक छोटी बड़ी छोटी बड़ी पंक्तियों का समूह होती है अकविता या नई कविता। अब ऐसी स्थिति में ऐसी कविताओं को जब कम जगह पर लिखना हो तो आप ये ऑब्लिक लगा लगा के सारे पूरे पूरे जो उनकी लाइनें हैं पंक्तियां हैं वो लिख सकते हैं। तरीका मैं बता देता हूं, पहली चीज तो ये देखो, अवतरण का ही उद्धरण मतलब होता है, तो या लगा सकते थे अथवा लिख सकते थे, उन दोनों को हटा के हमने क्या लगा दिया, ऑब्लिक लगा दिया या स्लैश लगा दिया। दूसरा देखो, ये निराला जी की कविता है भिक्षुक, उसके अंदर से एक छोटा सा पार्ट लिया मैंने, क्या लिखा है, वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। अब यहां पर वह आता के बाद पंक्ति दूसरी थी और पथ पर आता फिर तीसरी पंक्ति थी, लेकिन हमने क्या किया, एक ही पंक्ति में लिख दिया, क्या लगाया, स्लैश लगाया, ऑब्लिक लगाया। क्लियर है क्या, बात समझ में आ गई? अगला बढ़े, तारक चिन्ह के बारे में बात करेंगे। देखो तारक चिन्ह, तारक चिन्ह क्या होते हैं भैया, तारक चिन्ह पात्र टिप्पणी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब इसमें हंसने वाली तो कोई बात है ही नहीं, है ना। इस अंग्रेजी में स्टार
इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्टार मार्क कहते हैं। आपने याद है कुछ भी सामान खरीदो या कुछ भी ऑफर हो तो उसके बाजू में एक छोटा सा स्टार लगा होता है। ज्यादा दूर से देखो या चश्मा वश्मा लगता हो तो उसको तो दिखता ही नहीं वो स्टार कहाँ लगा हुआ। हमको लगता है अरे गजब ऑफर बड़ा है। आखिर में नीचे लिखा होता है शर्तें लागू, या ऐसा लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। कहानी क्या होती है इसकी जरा देखें। अब देखो यहाँ पे लिखा है 1 किलो शक्कर पर 2 किलो शक्कर मुफ्त। बताओ कोई देगा क्या? शक्कर वैसे ही महंगी, उसके अंदर 1 किलो शक्कर पे 2 किलो शक्कर मतलब 3 किलो शक्कर का पैसा वो 1 किलो का ही ले रहा है। कैसे होगा? स्टार लगा दिया पीछे और नीचे लिख दिया शर्तें लागू। क्या शर्तें हो सकती है भैया? तुमको जो है कम से कम 50 किलो शक्कर खरीदनी पड़ेगी, तब जाके हम इस पे बात करेंगे, या फिर तुमको इसके अलावा इतने 1000 रुपए का शॉपिंग करनी पड़ेगी, तो फिर 1 किलो शक्कर पे मैं 2 किलो शक्कर मुफ्त दूंगा। शर्तें लगा दी जाती हैं, शर्तें लिख दी जाती हैं नीचे। तो पात्र टिप्पणी का मतलब कुल मिला के ऐसा होता है कि अगर किताब में, पुस्तक में, है ना, अगर हम अपने अपनी हिंदी भाषा की बात करें, पुस्तक में या कहीं लेखन में अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो वहां पर एक शब्द का आपने उपयोग किया और उस शब्द के ऊपर स्टार लगा के उस शब्द के बारे में बाकी की जो जानकारी देना है आपको वो नीचे साइड दे दी जाती है और वहां पर वो स्टार पर तारक चिन्ह लगा दिया जाता है। क्लियर है क्या? स्टार तारक चिन्ह पात्र टिप्पणी के लिए इसका उपयोग होता है। चलिए अगला देखते हैं। गोली, गोली नहीं मारना है यहाँ पर, गोली का मतलब समझना है। गोली मतलब, गोली मतलब बोले तो बुलेट। यार अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? बुलेट। भाई आपने देखा होगा पीपीटी जब भी हम लोग बनाते करते हैं तो क्या करते हैं, मुख्य तथ्य के सामने एक छोटी सी गोली बनी होती है ना, तो हम क्या कहते हैं, बुलेट। तो उस बुलेट को ही हिंदी में क्या कहेंगे? स्वाभाविक बात है गोली कहेंगे। तो मुख्य बातों या तथ्यों को सारांश रूप देने में इसका प्रयोग होता है, इसे अंग्रेजी में बुलेट कहते हैं। उदाहरण देख लीजिएगा सर, उदाहरण दिखा देता हूं आपको। शौर सेनी, मुख्य तथ्य लिख रहा है शौर सेनी। शौर सेनी के अंदर पश्चिमी हिंदी, गुजराती और राजस्थानी आती है। फिर अर्धमागधी, इसमें पूर्वी हिंदी आती है। मागधी के अंदर बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया और खस के अंदर पहाड़ी हिंदी आती है। तो यहाँ पे अपभ्रंश और उनकी बोलियों के बारे में आपके सामने एक लिस्ट दी है, तो इसमें ये तथ्य हैं, मुख्य तथ्य हैं, इसलिए हमने क्या लगा दी, गोली लगा दी। ब्लैक कलर की बंदूक वाली, मतलब बंदूक वाली नहीं, डॉट दिख रहे होंगे आपको, इसी को हम बुलेट या गोली कहते हैं। अगला देखते हैं, आज का सेकंड लास्ट वा मतलब सेकंड लास्ट टॉप जो है विराम चिन्ह। विभाजक, विभाजन करना मतलब किसी दो चीज को दो हिस्से में बांट देना। देखते हैं क्या, बिल्कुल ये पाइप, खड़ी पाइप भी बोलते हैं इसको, हम डिविजर, इसको डिविजर भी बोलते हैं, इसको पाइप भी कहते हैं। खासतौर पे जो ये है ना वेबसाइट डेवलपर वगैरह जो लोग हैं वो इसको पाइप कहते हैं। ठीक है, काम क्या आता है, विभाजक है। जब दो वाक्यांशों को भिन्न प्रकट कर एक ही पंक्ति में लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, आपने देखा होगा। अच्छा चलिए अभी आपको मैं याद दिला देता हूँ। आप जब भी हम लोगों का टाइटल देखते हैं यूट्यूब चैनल पे, हमारा जो वीडियो होता है उसके नीचे टाइटल लिखा होता है ना, जाते हो ना वहां पे, देखते हो ना कि सिर्फ फोटो देख के क्लिक कर देते हो, तो वहां पे लिखा होता है, वहां पे बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं। जैसे जैसे कुछ ऐसा उदाहरण देखें, सभी परीक्षाओं के लिए विभाजक विराम चिन्ह, विभाजक हिंदी विराम, विभाजक और प्रवीण दीक्षित। तो यहां पर कैसे लिखा हमने, इसके अंदर विभाजक लगाए क्योंकि एक ही पंक्ति को हमने 4 टुकड़ों में बांटना था। चार पंक्तियों में एक ही पंक्ति को के वाक्यांशों को अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकट करने के लिए हम विभाजक या विभाजक भाजक का उपयोग करते हैं, इसको अंग्रेजी में डिविजर कहते हैं। और आज की लास्ट स्लाइड अनुवृत्ति, अनुवृत्ति मतलब पुनरुक्ति सूचक। भाई देखा होगा आप लोगों ने, भाई हम लोग जब लिस्ट बनाते हैं तो उसके अंदर एक बार लिखते हैं श्रीमान, बाकी सब में ऐसे डंडे लगाते चले जाते हैं, है ना, कॉमा लगाते चले जाते हैं। इसका मतलब समझ में आ जाता है कि भैया ये जो श्रीमान लिखा है ये सभी के साथ में श्रीमान लगा हुआ है, मैंने वापस नहीं लिखा इसलिए 2 कॉमा लगा दिए। ये कॉमा ही क्या कहलाते हैं, अनुवृत्ति या पुनरुक्ति सूचक शब्द चिन्ह। ठीक है, तो अनुवृत्ति या पुनरुक्ति सूचक चिन्ह क्या होते हैं, शब्द या वाक्य की पुनरुक्ति बचाने, अर्थात ऊपर की लिखी बात या कथन को नीचे की पंक्ति में वैसा का वैसा ही उद्धृत करने में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, मार्क्स ऑफ रिपीटेशन, मार्क्स ऑफ रिपीटेशन। जैसे कुछ एक उदाहरण आपके सामने देखिए, यहां पर लिखा है राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दिल्ली, और अगला नाम था राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इंदौर, तो मैंने सिर्फ इंदौर लिखा, बाकी सब में क्या लगा दिए,
पुनरुक्ति सूचक या अनुवृत्ति चिन्ह का उपयोग कर लिया। और इसी के साथ कंप्लीट होता है आज का सेशन। बताओ कैसे लगे, 23 पूरे 23 के 23 विराम चिन्ह मेरे ख्याल से तो कई जगह आपको पुस्तकों में भी नहीं मिलेंगे 23 के 23, है ना। तो विराम चिन्ह आपको करीबन 23 विराम चिन्ह मैंने कंप्लीट कराए, कैसा लग रहा है क्लास सेशंस जरूर बताइएगा। अगर आप अनअकैडमी पे जा रहे हैं तो 10% डिस्काउंट के लिए PD लाइव मेरा रेफरल कोड है, यूज करिएगा। अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक करो, शेयर कर देना इसको दोस्तों के साथ, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। होती है फिर से कल फिर मुलाकात, कल सुबह 8 बजे मेरा लेक्चर होगा जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या MPGK के महत्वपूर्ण प्रश्न, है ना, ठीक 8 बजे इसी चैनल पर। तो होती है फिर से मुलाकात, 2 बजे मैं मुहावरों का मायाजाल लेकर आ ही रहा हूं, और 11 बजे मेरा क्लास होगा किस चीज का, हाँ वाईफाई स्टडी स्टेट PSC चैनल पर मेरे लेक्चर होंगे। तो चलिए होती है फिर से मुलाकात, तब तक के लिए एंजॉय करिए, मस्त रहिए, हैप्पी दिवाली, और थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।